ये देखें, ये मटन बनके रेडी हुआ है भाइयों। ये देख रहे हो, ये जो पूरा तेल है ना, ये ऊपर आ चुका है। क्या बात है ना? हमारे घर पे जब गांव में नॉनवेज वगैरह बनता था तो इलपट्टे पे हमारे मसाला बनता था, और शुरू से हमने वही देखा है। 300 ग्राम तेल अपन सरसों का डाल रहे हैं, 1.5 किलो मांस बना रहे हैं। गाँव का बकरा लेके आते हैं, जो मैं जिस कटीक से लेता हूँ वो गाँव से बकरा लेके आता है। कम्बल के पानी का क्या टेस्ट है, और बाटी के साथ तो बिल्कुल आप कहो ही मत। ये देखो शैलेश जी, ना इसमें सीटी लगी और ना इसको अपन ने ढका। हमने ये लगभग सब डाल दिया। अब इसमें अपन थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा मोटा साबुत धनिया। आपको मैंने दिखाया था मॉर्निंग में किस तरह का बकरा ये यूज़ कर रहे हैं, ये देखो। ये देखो दस्ती वाला पीस। पुष्पेंद्र जी, यहाँ पे जो चलन है वो सुबह सुबह से है क्या लोगों का? मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग में सुबह अभी 8:30 बजे। गजब यार। दोस्तों अभी मैं कोटा में हूँ और कोटा के जायके बहुत ही शानदार हैं। आपको पता है देसी जायका आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों आज मैं आपको एक और प्लेस पे लेके आया हूँ। ये प्लेस एक्चुअली ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ है। आज क्या क्या हम बनाएंगे, क्या चीज़ यहाँ पे सर्व करते हैं, सारी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ के सबसे पहले मैं आपको ऑनर से मिलवा देता हूँ। शैलेश जी, ये अपने रेस्टोरेंट का रूफ टॉप है। यहाँ पे 3-4 टेबल की ओपन सीटिंग है, और आज अपन मटन बना रहे हैं। ये चूल्हा लगा हुआ है अपने यहाँ पे। अपन आज रजवाड़ी लाल मांस बना रहे हैं। ये 1.5 किलो मटन अपन ने आपके सामने, हम लोग जाके सामने आंखों देखा बकरा कटवाते हैं, और ये आज हमने 1.5 किलो मटन लिया है, जिसमें नली है, गुर्दा है, कलेजी है। तो इसमें लहसुन और अदरक को और थोड़ा सा खड़ा मसाला हम इस सिलपट्टे पे पीस लेंगे। अभी हमारे घर पे जब गांव में नॉनवेज वगैरह बनता था तो ऐसे ही मदर वगैरह सिलपट्टे पे हमारे मसाला बटता था, और शुरू से हमने वही देखा है। और मैं शुरू से ही इस तरीके का ही बनाना पसंद करता हूँ, रेस्टोरेंट पे भी, और मैं खुद भी शौकीन हूँ बनाने का और खाने का। नहीं, थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे। ये अपन शुरू कर रहे हैं, और ये 300 ग्राम तेल अपन सरसों का डाल रहे हैं। 1.5 किलो मांस बना रहे हैं अपन। ये तेल गरम हो गया है, अब ये अपन इसको नींबू से फाड़ेंगे। इसमें जो हीट आती है वो अभी नींबू डालने के बाद निकल जाएगी। सारा डाल देता हूं। ये डाल। लो। तो सर, ये रेस्टोरेंट कब से स्टार्ट किया था आपने? मैंने लॉकडाउन के पहले 2018 से पहले कोटड़ी में मैंने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था। तो पहले कोटा जंक्शन, मटन जंक्शन नाम से रेस्टोरेंट था, फिर मीट बाटी, और फिर मैंने रावला इसका नाम दिया। फिर कोटड़ी सर्किल में भी ऊपर रूफ टॉप पे था, 2600 स्क्वायर फीट जगह थी, उसमें रेस्टोरेंट चलता था। लेकिन बाद में वहाँ पे कोटड़ी सर्किल पे जो फ्लाईओवर बना उसके कारण पार्किंग ख़त्म हो गई और लोग परेशान होने लग गए, तो मैंने वहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट कर लिया। तो यहाँ पे नाम रावला है इसका? हाँ, राव। जैसे लोग नॉनवेज बनाते हैं तो ओनली प्याज डालते हैं, मैं प्याज के साथ हरी मिर्ची इसी में डाल देता हूँ, वो भी लगभग साबुत ही डालता हूँ। छोटी कटिंग करके डालते हैं, लेकिन मैं एक हरी मिर्च की दो हरी मिर्च काट के इसमें डालता हूँ। धुल गया अपना, और ये प्याज भी लगभग पक गए, ठीक है, लाल हो गए हैं। और वैसे भी प्याज तो क्या है, मटन
में प्याज तो वैसे भी पकी जाते हैं मटन बनते बनते। यार बकरी क्वालिटी अच्छी दी थी आज उसने। बिल्कुल, बकरा ये गाँव का बकरा लेके आते हैं, जो मैं जिस खटीक से लेता हूँ वो गाँव से बकरा लेके आता है। ये दाना खाने वाला बकरा नहीं है, जड़ी बूटी खाने वाला है जो गाँव में खेत पे। हाँ, मैं 13 से 14 किलो का बकरा लेता हूँ मोस्टली। हाँ, तो ये पकने में भी जल्दी पक जाता है और पचने में भी जल्दी पक जाता है। चलिए, वेरी गुड। मेरे को सर थोड़ा सा यहाँ का शैलेश जी, अपन मटन रखते हैं, मटन स्टू भी रखते हैं, और चिकन करी, चिकन भुना, अंडा करी और फिश, और इनके साथ में मटन के साथ में मेरे यहाँ पे ज़्यादातर बाटी चलती है। बिल्कुल बड़ी साइज़ की बाटी बनाते हैं अपन और तवा रोटी बनाते हैं। चंबल के पानी का क्या टेस्ट है, मैंने कई जगह मटन बनाया है लेकिन जो यहाँ का जो पानी है उसमें मटन अच्छा बैठता है, चिकन भी अच्छा बैठता है। और चंबल के जो आसपास जो गांव है वहाँ से मेरे यहाँ पे जो सब्ज़ियाँ आती है, जैसे लहसुन हो गए, प्याज हो गए, हरी मिर्च हो गई, तो चंबल के पानी की वजह से इन सब में टेस्ट है। अब शैलेश जी, इसमें अपन हल्दी ऐड करेंगे। और ये नमक भी इसमें डाल देंगे। सर, डेली का बनाने का तरीका यही रहता है आपका लगभग लगभग? हाँ, यही रहता है। जैसे ये अभी चूल्हे पे बन रहा है नीचे, लेकिन गैस पे भी बनता है। और जैसे कोई ऑर्डर वगैरह होता है स्पेशल, तो वो चूल्हे पे ही बनाते हैं हम लोग। ओके, चले जी, ये साबुत मिर्च अपन इसमें डाल देंगे। तेल में इसको डालते हैं तो ये काली पड़ जाती है, जल भी जाती है, लेकिन अब ये अपन ने इसको लेट डाला है तो इसका फ्लेवर इसमें आ जाएगा। अब मटन मस्त ही लिया है आज, रोजना का यही रहता है आज ही ऐसे ऐसे? नहीं नहीं, बिल्कुल शैलेश जी, कंटिन्यू बकरा ऐसा ही आता है अपने यहाँ पे, बिल्कुल आंखों देखा ही लेके आते हैं सामने। और डेली का मटन जो आता है बिल्कुल जैसा आज लेके आ रहे हैं वैसा ही आता है अपने। अभी कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिना देखा हुआ मटन हम लोग लेके आते हैं, बिल्कुल आंखों के सामने। एक घंटा लग जाए, भले 2 घंटे लग जाए, वेट करना पड़ जाए, लेकिन सामने कटा हुआ ही लेके आते हैं। इसी वजह से कई बार दिन में कस्टमर आ जाते हैं तो उनको वेट करना पड़ता है मेरे यहाँ पे। अपने छले जी सिलपट्टे पे जो अपने अदरक और लहसुन और थोड़ी सी साबुत काली मिर्च अपन ने इस पे सिलपट्टे पे कूटी थी, ये अपन बस अब इसको डाल रहे हैं। अब इसमें मटन की हम लोग भुनाई करेंगे। इसमें क्या है, लहसुन पूरा तो कूटता नहीं है, मोटा मोटा थोड़ा रहता है, तो उसका टेस्ट मटन के टेस्ट के साथ बिल्कुल लहसुन का हल्का हल्का सा टेस्ट आता है, तो बिल्कुल वो स्वाद ही अलग होता है। और बाटी के साथ तो बिल्कुल आप कहो ही मत, अलग ही बात है। ये देखो शैलेश जी, ना इसमें सीटी लगी और ना इसको अपन ने ढका, और इसको अपन ने चढ़ाए हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन जो बकरे की क्वालिटी अच्छी है तो ये देख लो आप, ये नली में ये छूटने लग गया मीट। ये मुश्किल से 20 से 1 मिनट में अपने ये मीट पक जाएगा। ना अपन ने इसमें सीटी लगाई, ना इसको ढका है, बस इसकी अभी भुनाई कर रहे हैं ओनली। और अब इसमें अपन ये मिर्ची डाल दिए। मतलब मिर्ची बिल्कुल एंड में डालते हो? हाँ, मिर्ची एंड में और धनिया भी एंड में। किलो ऑर्डर हम लोग बना के देते हैं, लेकिन टाइम से अगर वो बता दे तो, जैसे दिन में 12 बजे 1 बजे या 2 बजे 4 बजे के पहले पहले बता दे तो हम लोग 2-1 घंटे में मटन बना के कंप्लीट पैक करवा देते हैं। अगर यहाँ भी आके बैठना है तो यहाँ पे भी अपने पास सिटिंग है, ओपन सिटिंग भी है, खुले में भी आदमी बैठना पसंद करता है तो अपने यहाँ खुले वाली सिटिंग भी है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा टाइम से बता दे, क्योंकि ज़्यादातर रस रहता ही है रेस्टोरेंट पे, तो ओपन सिटिंग तो क्या फुल हो ही जाती है, और नीचे भी सिटिंग है अपने पास में। जिस तरीके का जो मैं मटन बना रहा हूँ एज इट इज़, मेरे को तो टाइम कम मिलता है, तो छोटा वाला भाई ज़्यादातर वही बनाता है, और या हम लोग हमारे जो यहाँ पे स्टाफ है वो भी बनाना जानते हैं। हम बिल्कुल आंखों देखा सामने खड़ा होकर स्टाफ को बता देते हैं कि इस तरीके से आपको बनाना है, तो वैसे बना देता है। रेट तो सही है आपकी? हाँ, वैसे बाहर वैसे देखोगे तो इसमें मटन में इतना मार्जिन है नहीं, क्योंकि 600 रुपये किलो तो मटन ही आता है, और हम लोग अगर देखें तो 300 या 400 रुपये के
बाकी के आइटम भी आ जाते हैं, जैसे तेल है, सरसों ऑयल भी महंगा आता है, प्याज का भाव आप देख रहे हो महंगा ही है अभी, लहसुन अदरक भी महंगा ही चल रहा है लॉकडाउन के बाद से, और जैसे मिर्ची वगैरह धनिया है, तो जब से इन पर GST लगी है तब से सारे ही महंगे हो गए हैं। अब शैलेश जी, इसमें अपन ने ये लगभग सब डाल दिया, अब इसमें अपन ये पिसा हुआ धनिया भी डाल रहे हैं और इसको 5 मिनट थोड़ा पका के और फिर हरा धनिया डालेंगे और फिर इसको 10-1 मिनट के लिए ढक देंगे। ये थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं तो ये चिपके नहीं। और ये अपन इसमें ये हरा धनिया लोग बाद में डालते हैं, वैसे मटन बनने के बाद में मैं पहले ही डालता हूँ ताकि इसकी जो हरे धनिया की खुशबू हो, खुशबू जो आती है वो बिल्कुल मटन में समा जाए। अरे वाह, क्या बात है यार। जल सकती है गए। ये थोड़ा पानी अपन इसको ऊपर डाल के थाली में इसको थोड़ा गर्म कर लेंगे, क्योंकि मटन गर्म होता है और फिर उसमें अपन ठंडा पानी डालते हैं तो वो वापस उसकी जो आंच होती है कम हो जाती है। और ये रेसिपी पे आउट भी अभी हुई है। उसने मटन बनाना भी नहीं जानता था। हमने ज़्यादा आउट कर दिया। 3-4 चैनल वालों ने, अब तो रीले ही कंटिन्यू, आप है ना खोल लो। ये तो लोगों को मटन बनाना नहीं आता नई पीढ़ी को। अभी आप देखोगे जा, चले जी अपना मटन कंप्लीट हो गया है, टेस्ट करेंगे। और ये बाटी ओवन है जो बिल्कुल देसी वाला, इसमें 60-70 बाटी एक साथ आ जाती है और बस अब ये बाटी कंप्लीट है बनके और ये अपन इसमें डाल रहे हैं। इसमें बाटी में क्या हल्दी मिलाते हो क्या सर? हाँ, हल्दी, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा मोटा साबुत धनिया। ओके। तो गाइस एक बार इस मटन की रंगत चेकआउट करें आप, ये देखें ये मटन बनके रेडी हुआ है भाइयों, ये देख रहे हो ये जो पूरा तेल है ना ये ऊपर आ चुका है। और गाइस देखो हर तरह से मटन बनाते हैं, हर जगह का मटन बनाने का तरीका डिफरेंट रहता है, यहाँ का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। चूल्हे पे बना रहे हैं, खड़े मसाले यूज़ करते हैं, जो जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह भी आपने देखा किस तरह से खड़ा यूज़ कर रहे हैं, और आपके अकॉर्डिंग जिस तरह से आप ऑर्डर देना चाहते हैं कि लाइक आपको थिक ग्रेवी में चाहिए, पतली ग्रेवी में चाहिए, आपको बाटी के साथ खानी है, रोटी के साथ खानी है, आपको चखने के रूप में खानी है, जैसा आप चाहते हैं वैसा। तो ये देखें एक बार, ये देखो भाई साहब क्या बात है, वैसे ग्रेवी देख रहे हो आप, ये देखो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देखो आप, लुक एट दिस यार। और ये चीज़, ये साथ में बाटियाँ आ गई, ये देखो भाई साहब, ये बाटी में थोड़ा सा हल्दी डालते हैं जिसकी वजह से ना इसका कलर इस तरह से रहता है। तो गैस ये देखें हमारी प्लेट एक बार आप, ये इस तरह की रंगत बन के रेडी हुई है। और गैस ये यहाँ पर जिस रेट में सर्व कर रहे हैं ना भाई, मैंने आपको देखा, मैं अपने जयपुर में तो ये रेटें है ही नहीं इस मटन की। तो अब देर नहीं करते हैं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं, पहले तो इसकी गलावट चेकआउट करें आप, ये देखें। और गैस आपने दिखाया, आपको मैंने दिखाया था मॉर्निंग में किस तरह का बकरा यूज़ कर रहे हैं, ये देखो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं। और ये देखो किस तरह से मटन गल गया, देख रहे हो जिस तरह से अपन कुकर में बनाते हैं ना, कुकर का मटन जिस तरह से बनाते हैं वैसे गल गया। और बाटी अपन चूर लेते हैं थोड़ी सी, और ये मटन देखो आप, क्या बात है यार, सच में आपको दिख ही रहा होगा मटन की क्वालिटी यार, है ना। क्या बात है यार, गला भी बढ़िया है, और ये जो ग्रेवी आप देख रहे हो ना हल्की हल्की सी थिक ग्रेवी टाइप में, ये पूरा एकदम बढ़िया तरीके से रच बस गई है ग्रेवी मटन के पीसेस में, ये देखो। भाई बर्थडे के साथ इसीलिए पसंद है मटन, ये इस तरह का मटन हो, ये देखो ये वाली चीज़ हो मटन में एकदम घुलने वाली, जो आप जस्ट बाइट लें और मुंह में मेल्ट हो जाए वो,
ये देखो, ये देखो भाई क्या हड्डी टूट रही है यार। भाई जैसे कुकर में मांस बनता है ना, हड्डी टूटने लग जाती है, बिखरने लग जाती है, वैसा कुछ हो गया है आइटम। बस खड़े मसालों में बनने वाला कोई भी चीज़ हो अच्छी बनती है। ये देखो नली, ये पूरी ले ले। क्या बात है यार, ये देख रहे हो, ये देखो मेरे को नहीं पता रेस्टोरेंट में ये लोग क्या सर्व करते हैं क्या नहीं सर्व करते, बट गाइस जो अभी जो चीज़ बनी है ना वो आपके सामने है। ये देखो दस्ती वाला पीस, देखो मैंने किस तरह से खाया है और मेरा लिटरली मन कर रहा है और खाने का कंट्रोल करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं इस मील को करता हूँ इंजॉय। आप अगर कोटा आ रहे हो या कोटा के रहने वाले हो, अभी तक यहाँ पे नहीं आए हो, तो गाइज़ विज़िट करें इस प्लेस को। यहाँ पर आप चाहे तो मटन बनवा भी सकते हो, आप चाहे तो खुद बना भी सकते हो, इनके पास हांडी वगैरह भी अवेलेबल है जो आपको सारी चीज़ प्रोवाइड करवा देंगे, आप खुद चाहें तो खुद बनाओ। तो मिलते हैं अपन किसी और जगह, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों और शेयर कर दें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइस। शैलेश जी ये विश्वकर्मा सर्किल है, यहाँ से चार रास्ते जा रहे हैं। ये गटोरगढ़ सर्किल जो महावीनगर थाना सर्किल भी बोलते हैं, यहाँ गटोरगढ़ चौराहा जा रहा है। ये इधर राजीव गांधी नगर में जा रहा है, ये राजीव गांधी नगर है, आगे एलन वगैरह है। ओके और ये सामने अगर सीधा चलेंगे अपन तो गोबरे बावड़ी सर्किल है, पास में सिटी मॉल है। और ये सर्किल से अपन वापस सीधे लेंगे तो ज्ञान शांति वाला रोड है, ज्ञान शांति हॉस्पिटल है जो फेमस हॉस्पिटल है इधर। इसी रोड पे अपन चलेंगे तो ये मेन चौराहे से आगे चलते हैं। ये अपने बोर्ड भी लगा हुआ है रावला नॉनवेज रेस्टोरेंट का। विश्वकर्मा सर्किल से सीधा ज्ञान शांति वाले रोड पे लेके और वापिस दो या चार गलियों के बाद में उल्टे हाथ पे लेते हैं रावला नॉनवेज रेस्टोरेंट आ जाता है।